कंगना रनौत को मिला एक और बॉलीवुड स्टार का सपोर्ट। निर्भया रेपिस के अगेंस्ट दिए कमेंट को एक और स्टार ने सराहा, कंगना को दी शाबाशी। वेल, कंगना ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना ने जो बात सामने रखी, इस बात ने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जयसिंह को भी उन अपराधियों संग जेल में बंद कर देना चाहिए था। ये भी कहा था कंगना ने कि इन रेपिस को चौराहे पर लाकर फांसी देनी चाहिए। और अब निर्भया के मॉम के बाद वेटरन एक्ट्रेस और शो होस्ट सिमी गरेवाल ने किया सपोर्ट कंगना रनौत को। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, एज पर माई अर्लियर ट्वीट आई अग्री विद कंगना एंड रंगोली, देयर शुड बी अ पब्लिक हैंगिंग ऑफ द क्रिमिनल रेपिस्ट, सेट एन एग्जाम्पल, लेट इट इंस्टिल फियर ऑफ द लॉ। उन्होंने पहले ट्वीट किया था बाय सेइंग, आई से लेट देयर बी वन पब्लिक हैंगिंग ऑफ दीज क्रिमिनल्स, लेट देयर बी वन पब्लिसाइज्ड कैस्ट्रेशन, देन ओनली विल दे फियर द लॉ। बट हियर निर्भयास मोस्ट क्रूएल रेपिस्ट ऑफ 17 इयर्स 11 मंथ्स वाज रिवॉर्डेड, गिवन अ न्यू आइडेंटिटी, मनी, फ्रीडम। वेल, क्या कहना है आपका सिमी गरेवाल के इस ट्वीट के बारे में और कंगना को मिल रहे इस सपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आप डाले एक नज़र कंगना के उस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने निर्भया के रेपिस्ट और इंदिरा जयसिंह पर कहा था। एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं जो रेप करता है, जो 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 कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है, वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं। जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं। ऊपर से ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है। और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में, उनका संघर्ष कर करके कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग, पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ कहाँ जाएंगे वो, मतलब ये कैसा समाज है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए। तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए। उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने। उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है। कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दहशी दरिंदे। ये भी किसी की कोख से निकले हैं, उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दहशियों पे, खूनियों पे।